नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च की ग्रीन चटनी और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपके पास धनिया कम हो और आपको ग्रीन चटनी बनानी है तो एक आपके पास बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है कि आप शिमला मिर्च से चटनी बना सकते हो। और आपके पास थोड़ा सा धनिया हो फिर भी बहुत ही बढ़िया चटनी तैयार हो जाती है, जिसके लिए मैंने 2 शिमला मिर्च को अच्छी तरह से धो करके और इसका अंदर का जो वाइट वाला हिस्सा है और बीजे हैं वो निकाल दिया और इसके छोटे टुकड़े कर दिए हैं मैंने। तो यहाँ पे थोड़ा सा धनिया लिया हुआ है मैंने, और धनिया की हम ये जो डंडियाँ होती है नरम नरम वो उसका यूज़ करेंगे हम, उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है चटनी में। 2 हरी मिर्च ली हुई है, तो तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हो जितना आप मिर्च डालना चाहते हो। 1 नींबू लिया हुआ है मैंने और लगभग 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली हुई है, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चटनी पीसना। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है, उसमें मैं कटी हुई शिमला मिर्च डाल दूंगी, साथ ही मैं इसमें लहसुन डाल दूंगी, 2 हरी मिर्च, और इस तरह से तोड़ के डाल दूंगी हरी मिर्च को, और साथ ही नमक डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, और इसमें नींबू का रस निचोड़ देंगे। और थोड़ा सा पानी, लगभग 2 चम्मच के करीब पानी लिया हुआ, चटनी पीस लेंगे बढ़िया। तो ये देखिए हमारी शिमला मिर्च की ग्रीन चटनी पीस चुकी है। आप कलर देख सकते हो कितना बढ़िया है चटनी का, और ये खाने में बहुत टेस्टी भी लगती है। ऐसा नहीं कि शिमला मिर्च से बनी है तो खराब लगती, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब मैं इस चटनी को एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए शिमला मिर्च की ग्रीन चटनी पीस के तैयार है खाने के लिए। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी, आप भी चटनी की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताना ना भूले कि शिमला मिर्च की ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।